मनोज सिन्हा साहब, चीफ सेक्रेटरी जे एंड के डॉक्टर ए के मेहता साहब, ऑनरेबल एडवाइजर जनाब फारूक अहमद खान साहब, कमीशन सेक्रेटरी फॉरेस्ट संजीव वर्मा जी, पीसीसी एफ जे एंड के डॉक्टर मोहित गेरा साहब, डिविजनल कमिश्नर जम्मू और मेरे साथी डॉक्टर राघव गंदर जी, यहाँ मौजूद फॉरेस्ट के सीनियर ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर साहिबान, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मैं समझता हूँ कि आज तारीख का एक ऐसा लम्हा है जिसका हमारे लाखों लोग, गुजर बकरवाल, गद्दी सीपी और दूसरे जो ट्राइब्स हैं उनसे बिलोंग करने वाले लोग, जिसका इंतजार कर रहे थे। और मुझे ये भी यकीन है कि जैसे पिछली सेरेमनी में हमने ये इमोशंस एक्सचेंज किए कि इस लम्हे को, इस दिन को सदियों में याद रखा जाएगा, तारीख में सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। एक वक्त की कमी की वजह से और अपनी सरकारी हैसियत की वजह से मैं इस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डालना चाहूँगा कि इसका मीनिंग क्या है फॉरेस्ट पे हकूक मिलने का उन लोगों के लिए जो अपने गुजर बसर के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, जंगलात का तहफ़ करते हैं, लेकिन साथ साथ उस इलाके से आते हुए, उस सोसाइटी से बिलोंग करते हुए मैं ये ज़रूर अंडरस्कोर करना चाहूँगा कि सदियों से एक फॉरेस्ट पे, एक जंगल पे, एक रिसोर्स पे डिपेंड करते हुए जब अचानक आपको वहाँ से बताया जाए कि आपकी हैसियत कानूनी नहीं है तो उसमें ज़िंदगी का मतलब एक ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी परेशानियों का आदमी शिकार होता है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये चीज़ दो सूरतों में हो सकती है, या तो ऐसे कवानीन ना हो, एब्सेंस ऑफ लॉज, ऐसे कवानीन ना हो कि जो आपको राइट देते हो, या कानून हो और वो इम्प्लीमेंट ना हो रहे हो। मेरी मुराद इस चीज़ से है कि पिछले दिसंबर 2020 में ये प्रोग्राम, ये इनिशिएटिव ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में इन्होंने अनाउंस किया, बहुत इफेक्टिव एफर्ट्स ग्राउंड पे लगे और कम ही समय में 8 महीने के अंदर लोगों को बुला के उनको राइट्स दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन शायद किसी सिस्टम में पॉसिबल नहीं होगी। 13 सितंबर 2021 को ऑनरेबल एलजी साहब ने अपनी तकरीर में इन सारे एफर्ट्स का एक समरी बताई और वो वीडियो सोशल मीडिया पे हर तरफ शेयर हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि कितने एफर्ट्स लगे हैं इनकी लीडरशिप में। पिछले 5 दिनों में बहुत सारी कवरेज, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं सोशल मीडिया में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लोगों ने ब्लॉग्स लिखे हैं, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स लिखे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तारीफ की गई ऑनरेबल एलजी साहब की लीडरशिप की, एम्प्लॉयज़ की, डिपार्टमेंट्स की, डिप्टी कमिश्नर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। उसके साथ साथ बहुत सारी अप्रीहेंशन भी जताई गई और बहुत सारे लोगों ने नंबर्स भी लिखे कि 20,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है। तारीफ हर आदमी को अच्छी लगती है, हम सबको भी अच्छी लगती है, लेकिन जहाँ तक अप्रीहेंशन का सवाल है, जहाँ तक इशूज़ का सवाल है, मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी अवलीन जो ड्यूटी है वो ये है कि कोई भी राइटफुल आदमी जिसका राइट बनता है वो अपने राइट से डिप्राइव ना हो, उसका हक उसको मिले। और उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी लूप होल, कोई कमी ना रहे। इन दो चीज़ों में बैलेंस करके हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स, हमारे डीसीज, हमारे जो साथी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो इस पर प्रोसीड कर रहे हैं। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा अपनी मुख्तसर से बात कहकर कंक्लूड करने से पहले कि बाकी जितनी भी रियासतें हैं उसमें 13 साल से ज़्यादा अर्सा हुआ फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट हुए, 2006 में कानून आया, 8 में रूल्स बने। आज भी आप देखेंगे जो राइट्स हैं वो डिस्पोज हो रहे हैं, अपील्स हो रही हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। आप स्टेट डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स पे देखिए, ये प्रोसेस आज भी चल रहा है। मुझे लगता है कि उनके कंपैरिजन में कुछ ही समय में, जैसे जो कमेटीज़ भी बनी लगभग 1 महीना पहले फॉर्मली उनका जो अनाउंसमेंट हुआ, जो कमेटीज़ बनी बहुत बेहतरीन उसमें काम हुआ है और एक नई प्रोसेस है जिसमें लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और ऑफिशियल्स की भी खदशात रहते हैं, उसमें बैलेंस करके कानून की लिमिटेशंस में काम हो रहा है। पिछले 5 दिन में स्टेक होल्डर्स ने एक बहुत बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया है, एक अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस दिया है, वो एप्लीकेशंस की सूरत में हो या ऑनरेबल एलजी का शुक्रिया अदा करने की सूरत में हो। उसी के साथ साथ हमारे साथियों ने भी एक बेहतरीन रिस्पांस दिया है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट राजौरी की, जहाँ डीसी राजेश शवन जी यहाँ हैं, जिनकी टीम सारी यहाँ पे है, कि 600 से ज्यादा एप्लीकेशंस पिछले 3 दिन में अप्रूव की गई हैं। ये सारी प्रोसेस बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी होगी जब लोग वापस अपने माइग्रेशन से आते हैं। ऑनरेबल एलजी चीफ सेक्रेटरी साहब और ऑनरेबल एडवाइजर साहब ने हमारे लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड फिक्स किया है 75 डेज का, जो काफी चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ट्राइबल डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस पर खड़े उतरेंगे। आखिर में सर मैं कंक्लूड करूंगा, एक ऑनरेबल एलजी ने एक जसरोटा का जिक्र किया, 19th सेंचुरी के एक स्टडी का, एक गैजेट का, तो थोड़ा हमें इंटरेस्ट आया पिछले 4-5 दिन से हम स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे उसको कि हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो एक स्टडी मैंने पढ़ी, अजय रावत जी लिखते हैं, डिफॉरेस्टेशन इन जम्मू गुजर्स, ये बात करते हैं उत्तराखंड की। दो पहलू ये बताते हैं कि जहां तराई और भबर एरिया में 1815 और 20 के बीच में जब मैसिव फैलिंग ब्रिटिशर्स ने की, जब डिमांड बढ़ी टिम्बर्स की ट्रेन के लिए, तो एक लार्ज स्केल माइग्रेशन जम्मू से वहां पे हुई और बहुत ज्यादा जो जहां डिफॉरेस्टेशन हुई थी वहां पे लाइव स्टॉक गया और वहां फॉरेस्ट खत्म हुआ। इसके कंपैरिजन में
वो हल्द्वानी, नैनीताल, बाकी जगह की बात करते हैं कि जहाँ ये ट्राइबल लोग फॉरेस्ट के साथ कंसोनेंस में थे, वो बात करते हैं इनकी ऑनेस्टी की कि वो छोटी छोटी एरिया में कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट का एम्प्लॉई अगर इलाके से गुजर जाए तो वो एक इंच भी नहीं बढ़ते हैं। और कंजर्वेशन की वो बात करते हैं कि बेस्ट मॉडल ये है, स्टडी कंक्लूड ये करती है, ये 90s में था जब फॉरेस्ट एक्ट की जदोजहद चल रही थी, कि जो भी प्लानिंग प्रोसेस हो उसमें ट्राइबल्स का, जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट हो, फॉरेस्ट डिवेलप्स की हो। मैं कंक्लूड करूँगा, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आज वो लम्हा जम्मू कश्मीर में आया है जहाँ कई दहाइयों की जो जदोजहद है वो पाया तक मेल हो रही है। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अमित लाल जी साहब का, उनके सदार के लिए, लीडरशिप के लिए शुक्रिया।